हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अभी हम जो वीडियोस जो टॉपिक डिस्कशन पे हमारा चल रहा है, दैट इज़ योर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव डिस्कस अबाउट योर सोल प्रोप्राइटरशिप, योर पार्टनरशिप, योर HUF एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं आपके, और आई होप आपने ये सारी वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी तो जा करके देख सकते हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर वन पर्सन कंपनी एंड लेट्स सी आगे और कितने टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। एक दो टॉपिक कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वन पर्सन कंपनी क्या होता है? देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं कि कितने तरीके के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या फिर कितने तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। तो वहां पे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप का एक टॉपिक, जहां पे हमने देखा था जो ऑनर है और जो मैनेजमेंट है वो एक ही पर्सन द्वारा जो है चलाई जाती है। हमने कंपनी का भी एक पॉइंट पढ़ा, जहां पे क्या था, कंपनी एक लीगल एक्जिस्टेंस बन जाती है, उसकी अपनी जो है इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस होती है और आर्टिफिशियल पर्सन की जो है वो एक स्टेटस एंजॉय करती है। वहीं पे इन दोनों का कुछ पॉइंट्स उठा करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, दैट वाज योर वन पर्सन कंपनी, जहाँ पे एक पर्सन द्वारा वो उस कंपनी को जो है कैरी ऑन किया जा रहा होता है। सो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 62 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है आपकी वन पर्सन कंपनी को। उसके तहत वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी दैट हैज ओनली वन पर्सन एज टू इट्स मेंबर, यानी ऐसी कंपनी जिसका मेंबर मात्र एक व्यक्ति है उसको कहा जाएगा आपका वन पर्सन कंपनी, जिसको शॉर्ट में आप OPC कहते हो, OPC। Furthermore, Members of a company are nothing but subscriber to its memorandum of association. Member of the company क्या होता है? Memorandum member of company होता है जो कि आपका subscriber होता है memorandum of association का और its shareholders. आप सबको पता है जब भी company register हो रही होती है तो उसका memorandum of association में और आपका जो है ये सब बनाया जाता है memorandum of association, और इसको जो है sign कराया जाता है members द्वारा, जो कि बताते हैं कि हाँ इस company को हम बना हमारे सामने बन रही है और ये सब चीजें हो रही हैं, और उसको ROC तक जो है फाइल भी कराना पड़ता है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ ये आपके बनते हैं AOA और MOA, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो MOA के सब्सक्राइबर्स होते हैं दैट आर कोल्ड योर मेंबर्स, तो ये जो है आपके मेंबर्स कहलाए जाते हैं। सो एन OPC इज इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली आप कह सकते हो एक OPC वो है जहाँ पे जिस कंपनी में मात्र एक शेयर होल्डर जो है एज इट्स मेंबर होता है। फीचर्स ऑफ OPC की बात करें तो ये एक प्राइवेट कंपनी होती है, यानी ये कंपनी का स्टेटस एंजॉय करती है। सेक्शन नंबर C3 सब सेक्शन नंबर 1 एंड क्लोज C कंपनीज एक्ट का ये बताता है दैट सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस, कि मात्र एक पर्सन, सिंगल पर्सन जो है एक कंपनी बना सकता है, फॉर्म कर सकता है, अगर उसका पर्पस लॉफुल है तो। इट फर्दर डिस्क्राइब्स OPC एज प्राइवेट कंपनी, और इन्होंने ये भी बोला कि जो आपका OPC है वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। सिंगल मेंबर OPC कैन हैव ओनली वन मेंबर और शेयर होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनी। अदर प्राइवेट कंपनी में जो है आपके एक से ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो है OPC में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन जो है यहाँ पे आपका शेयर होल्डर होता है और आपका मेंबर होता है, और ये जो है आपका OPC कहलाया जाता है। नॉमिनी अ यूनिक फीचर ऑफ OPC इज दैट सेपरेटेड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ कंपनी इज दैट द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हैज टू मेंशन अ नॉमिनी व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। देखो, अकेला इंसान है, ऊपर से कंपनी खोलने चला है, तो कंपनी की अपनी इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस होगी, उसका जो है एक आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप अकेले इंसान हो जो कि शेयर होल्डर हो और मेंबर हो, तो यहाँ इस सिचुएशन में कल को आप निकल लिए, टैब भूल गए, आपका जो है टाटा बाय बाय हो गया, तो उस सिचुएशन में कंपनी पे जो है बहुत बड़ी आंच आ जाएगी। तो इसीलिए जब आप OPC रजिस्टर कर रहे होते हो तो उस मेंबर को एक नॉमिनी ऐड कराना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए जब भी आप एक कंपनी जो है OPC वाली कंपनी बना रहे हो तो एज अ मेंबर्स जो है आपको वहाँ पे एक नॉमिनी को मेंशन करना कंपल्शन होता है, और तभी जो है आप उसको रजिस्टर करा पाओगे। नो परपेक्चुअल सक्सेशन, सिंस देयर इज ओनली वन मेंबर इन अ OPC हिज डेथ विल रिजल्ट इन द नॉमिनी
choosing or rejecting to become its sole member. This does not happen in other company as they follow the concept of perpetual succession. देखो जो अदर कंपनीज के कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते हैं परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस के, कि मेंबर्स चला गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही जीते रहेंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, कंपनी की जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी, चाहे कोई भी कितना भी पुराना और चहीता मेंबर क्यों ना निकल जाए. लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं होता. ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में अगर मेंबर निकल लेता है तो उसने जिस नॉमिनी का नाम दिया हुआ था उसके पास जाया जाएगा, पूछा जाएगा कि भैया भैया देखो ये तो टह बोल गया, अब ये बिजनेस बचा है और बचे हो तुम जो कि हो नॉमिनी, तो तुम इसको कैरी ऑन करना चाहते हो या नहीं. तो ये ऑप्शन होता है उसके पास कि जो नॉमिनी है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो उसको चूज कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले. तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है. तो यहाँ पे नो परपेचुअल सक्सेशन का एक रूल अप्लाई हो जाता है. मिनिमम वन डायरेक्टर, ओपीसी जो है कम से कम जो हैव मिनिमम वन पर्सन द मेंबर एज डायरेक्टर. तो यहाँ पे मिनिमम वन डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, अ पब्लिक कंपनी इज व्हाट, दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है. मैंने ये डेफिनेशन जब पढ़ी थी मेरे को तो लगा था पता नहीं क्या ही क्या, मतलब क्या डेफिनेशन बनाई है बनाने वाले ने, क्या मस्त डेफिनेशन बनाई है. बट यहाँ पे अभी हम देखें तो पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है आर दोस टाइप ऑफ कंपनी वेयर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 7 है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो 3 है, और यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती आपके मेंबर्स के लिए. पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स जो है कम से कम इसको शुरू करने के लिए आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, और मैक्सिमम नंबर्स जो है ये कितने भी जा सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्क्राइब है. लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर और शेयर होल्डर इज लिमिटेड. जो लायबिलिटी है वो हर मेंबर की जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी है. That means if company face losses under any circumstances, then its shareholder are liable to sell their own asset for payment. यानी आपकी जो है अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स को कोई भी अपनी पर्सनल एसेट्स नहीं बेचनी पड़ेगी. यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी लिखा है बट यहाँ पे शब्द ये थोड़े गलत है, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा अपने चिप नोट्स में आप कॉपी कर रहे हो. द पर्सनल इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर नॉट एट रिस्क. यानी इंडिविजुअल जो एसेट है आपके शेयर होल्डर के वो रिस्क पे नहीं होंगे, बट सिर्फ उतना अमाउंट रिस्क पे होगा जो कि उन्होंने एज अ शेयर्स खरीदने के लिए जो उसका पार्ट बचा हुआ है, यानी शेयर्स की वैल्यू तक ही जो है उनका रिस्क होगा, उससे ज्यादा अपने प्राइवेट उनके इंडिविजुअल के खुद के पर्सनल एसेट्स यहाँ पे गिरवी वगैरह नहीं रखे जाएंगे. परपेक्चुअल सक्सेशन, कंपनी जो है कि चलती रहेगी, वो एक्सिस्टेंस में रहेगी चाहे कोई भी आए या जाए. सो द कंपनी कीप्स ऑन एक्सिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ इवन इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी ऑफ इट्स ऑल मेंबर. भले ही जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं टह बोल जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, परपेक्चुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहेगी. सो दिस लीड्स टू अ परपेक्चुअल सक्सेशन ऑफ द कंपनी. द लाइफ ऑफ द कंपनी कीप्स ऑन एक्सिस्टिंग फॉरएवर. अभी तो और चलेगा वाली सिचुएशन यहाँ रहेगी. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, वेयर प्राइवेट कंपनी हैज अ प्रिविलेज ओवर द पब्लिक कंपनी एज दे डोंट हैव टू कीप एन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर. यहाँ पे जो है प्राइवेट पब्लिक कंपनी को जो है एक इंडेक्स ऑफ मेंबर बना करके रखना पड़ता है, जो कि प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए जो है उनको बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है. A number of directors. When it comes to director, a public company needs to have only 3 directors. यहाँ पे जो है मात्र 3 directors होने जरूरी हैं, आवश्यक हैं. With the existence of 3 director, company जो है अपना operations कर सकती है. प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस इज एक डिटेल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी के अफेयर्स का, जो कि इशू किया जाता है. और दस इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर इज अ नीड टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है एक प्रॉस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं है. पब्लिक इज नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है पब्लिक को ऑफर नहीं दिया जाता कि आओ और हमारे शेयर खरीदो. प्राइवेट में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि पब्लिक में ऐसा किया जाता है, तो इसीलिए पब्लिक में जो है प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है.
नाम में के बात करें तो नाम में सब कुछ रखा है। नाम में जो है अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ पे पब्लिक लिमिटेड है, माफ कीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड है तो आपको जो है अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना जरूरी है। जैसे कोमल अरोड़ा की कंपनी का नाम है तो वहाँ पे अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ आप लिखोगे प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वर्ड वहाँ पे लगाओगे। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। तो अब प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज प्राइवेटली हेल्ड फॉर स्मॉल बिजनेस, प्राइवेटली हेल्ड की गई है छोटे बिजनेस के लिए। लाइबिलिटी जो है इसके मेंबर्स की वो क्या होती है, मेंबर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इज लिमिटेड, यहाँ पे जो है जितना शेयर्स उनके पास है उतना ही अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी रहेगी। मेंबर्स की बात करें तो एक कंपनी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होने जरूरी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 नंबर तक पहुँच सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, यहाँ पे भी जो है आपके शेयर होल्डर और मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इट मीन्स कि अगर कुछ लॉस होता है तो वो अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे, बल्कि जो भी उनकी कह लीजिए कि शेयर्स के वैल्यू तक है उतना ही उनकी लाइबिलिटी बनेगी। परपेक्चुअल एक्सिस्टेंस, कंपनी जो है एक्सिस्टेंस में रहती है, चलती रहती है भले ही सारे मेंबर्स निकल लें। कंपनी के नाम की बात करें तो ये बहुत मैंडेटरी है कि वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अब बात आती है आपकी LLP की, जो कि हमने बात की थी आपकी जब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। सो इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।